I am back. Turn on notification bell. Don't miss updates. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे फेसबुक हैकिंग के बारे में। इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स मिल रही हैं, यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियोस हैं जो ये कहते हैं कि आप जिसका भी फेसबुक हैक करना चाहते हो बस 2 ही मिनट लगेंगे हमें, बस बता दो एक बार किसका करना है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। ये वाला अच्छा लग रहा है ना? भाई जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे ना हाउ टू हैक फेसबुक पासवर्ड, बहुत सारी वेबसाइट्स अपना मुंह उठा के आ जाएंगी, हम कर देंगे तो बड़ा ही आसान है, बस 2 मिनट दे दो आप हमें, बस भर दो जिसका भी आपको फेसबुक हैक करना है इसमें एक बार भर तो दो आप, इस तरह दावा करती हैं ये वेबसाइट्स। अब जब इन वेबसाइट्स के आप अंदर जाओगे ना तो इन्होंने अपना बखान कर रखा होगा, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इतने साल से लगे हुए हैं, इस तरह हम हैक करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भैया कुछ नहीं करते। और कई वेबसाइट तो आपको टेक्निकल टर्म बता के उल्लू बनाना चाहती हैं, जैसे कहते हैं कि फेसबुक MD5 पासवर्ड यूज करता है। फेसबुक तो MD5 पासवर्ड यूज करता ही नहीं है बल्कि और कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज करता है। कुछ कहते हैं कि हम पुराना लूप होल है फेसबुक में उसका प्रयोग करके फेसबुक के पासवर्ड को हैक करते हैं। भैया सब बेकार की बात है, इन वेबसाइट की सच्चाई ये है कि ये झूठी है। और एक बात तो बताओ कि इंटरनेट पर खुले में ऐसी वेबसाइट मिल रही है, खुले में दावा कर रही है, और मार्क जुकरबर्ग को तो पता भी नहीं होगा, और कैसे पता होगा, वो तो अफ्रीका के जंगलों में रहता है अकेला, वो तो इंटरनेट यूज करता ही नहीं है। अरे भैया अगर ऐसा कुछ होता तो मार्क जुकरबर्ग या पूरे जो बड़ी बड़ी कंपनी इंजीनियर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो करते, तो कुल मिला के बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब सवाल ये है कि ये बेवकूफ क्यों बनाते हैं, इन्हें क्या फायदा है? भाई देखो इनका फायदा ये है, जब आप इन वेबसाइट पर जाएंगे और ये सब करके देखेंगे ना, किसी की फेसबुक आईडी डाल के देखेंगे, तो कुछ लोग तो ट्रैफिक के लिए ऐसा काम करते हैं कि भाई इनके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाए, और कुछ लोग जब आप देखेंगे ना, जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये जो वेबसाइट है पैसे की डिमांड करती हैं, $20, $30, $300 तक मांग लेती हैं। और इस पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी भी भिखारी को, पैसा कमा के देने वाली कंपनी को या हैक करने वाली वेबसाइट्स को कभी भी पैसा ना दें। तो थोड़े शब्दों में बात यह कि इंटरनेट पर फेसबुक को हैक करने वाली वेबसाइट या यूट्यूब पर फेसबुक को हैक करने वाली वीडियोस सभी झूठी हैं, किसी काम की नहीं है। इतनी जल्दी यकीन मत मानो आप एक काम करो, आप गूगल पे जाओ और लिखो हाउ टू हैक फेसबुक पासवर्ड, और जो भी आपको फेसबुक हैक करने वाली वेबसाइट मिले, हैक फेसबुक है, आई हैक फेसबुक ऐसी कुछ करके भी है, तो किसी पर भी आप जाएं और जिसका भी आप फेसबुक अकाउंट हैक करना चाहते हैं, आप ऐसा ओरिजिनल मत डालना, आप वैसे ही लिख देना चंपत राय चौरसिया, किसी का भी लिख देना, और ऐसी स्थिति में ये इतनी बढ़िया तांत्रिक विद्या लेके आई है वेबसाइट कि उस वेब फेसबुक का पासवर्ड भी हैक कर देंगे जो फेसबुक अकाउंट है भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो भैया बात ऐसे कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जिसके द्वारा फेसबुक पासवर्ड को हैक कर दिया जाए, इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा आप बस आईडी डालो और फेसबुक पासवर्ड हैक हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि फिर फेसबुक हैक क्यों हो जाता है? भाई फेसबुक हैक हमारी गलती के कारण हो जाता है, कुछ कन्वेंशनल तरीके हैं जैसे कि फिशिंग अटैक के बारे में बता चुका हूं, फिर भी सुन लो, कि एक फेक पेज बना दिया जाता है जो सेम टू सेम आपको FB जैसा लगेगा, और वहां पर अपनी आप डिटेल भर देते हैं, आप सोचते हैं कि भैया ये ओरिजिनल है और डिटेल भर देते हैं, वहां से आपके पासवर्ड को चुरा लिया जाता है। इसके अलावा कुछ की लॉगर्स होते हैं आपकी डिवाइस में, चुपके से की लॉगर्स डाल दिए, जैसे कि जो स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसा कुछ डाल दिया, और वहां से भी आपके पासवर्ड को चुरा लिया जाता है। साथ में जो पासवर्ड को रिट्रीव करने वाले ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जो अल्टरनेट ईमेल होता है उसके द्वारा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है ना, उसके द्वारा भी रिट्रीव कर लेते हैं पासवर्ड, और जो भी सेकेंडरी ईमेल आपने डाला है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब उसका पासवर्ड आपने किसी को बता दिया होगा तो ही आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। इन शॉर्ट फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन में यदि आपने कोई गलती की होगी तो भी आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है। इसके अलावा जब आप अनप्रोटेक्टेड अनसिक्योर वाईफाई पर कनेक्ट होते हैं तो वहां से भी आपके पासवर्ड को चुरा लिया जाता है, वहां से भी खतरा बन जाता है। तो इन कारणों से फेसबुक पासवर्ड हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, जिसे आप फेसबुक हैक कह लेते हैं। और मार्क जुकरबर्ग का जो फेसबुक हैक हुआ था वो भी ये कारण रहा था कि पहले डाटा चोरी हो गया था और उस डाटा में से शायद उनका पासवर्ड निकाल लिया गया था, डायरेक्टली वो भी हैक नहीं हुआ था। और ये तो आपको पता होगा कि फेसबुक ने प्रोग्राम निकाल रखा है कि यदि कोई भी उनके सॉफ्टवेयर में बग निकाल दे यानी हैक करके दिखा दे तो उसको पैसे देते हैं, तो यदि कोई भी ऐसा लूप होल निकलता है तो उसको वो पहले ही कवर कर लेते हैं।
तो अंतिम सभ्य है कि भैया कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको फेसबुक के पासवर्ड को हैक करके दिखा दे। और एक बात और, कुछ दिनों बाद आपको इस वीडियो के नीचे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ वेबसाइट्स के बारे में, जैसे कि फेसबुक पासवर्ड स्निपर, उसके बारे में आपको पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे कि हाँ हमने प्रयोग करके देखा, इंग्लिश में मिलेंगे कि हमने यूज करके देखा ये काम करता है। वो इसलिए मिलेंगे आपको कि जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, फेसबुक पासवर्ड स्निपर की वेबसाइट पर जाना, वहां पर भी आपको बोलेंगे कि आईडी भर दो, और आईडी भरने के बाद कहेंगे कि पूरा प्रोसेस चला के दिखाएंगे, मैंने बताया था ना हुजैक के बारे में, सेम ऐसा ही है कि वो आप आईडी भर दोगे तो पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे, 100% तक दिखाएंगे, 1-3% ऐसे करके दिखाएंगे, और जब आप कंप्लीट कर लोगे उसे तो हैक करने के बाद कहेंगे कि हमने हैक कर लिया है पासवर्ड। अब आपको ये जो कमेंट्स हैं ये इस वीडियो में डालना है, आपको वीडियो भी दी जाएंगे और कमेंट भी दिया जाएगा, कमेंट को कॉपी पेस्ट करना होगा, आपको कहेंगे कि जब कमेंट को कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तब आपको हम पासवर्ड दे देंगे। तो ऐसे ही व्यक्ति जो इस तरह का ट्राई कर रहे थे ना कि भाई फेसबुक पासवर्ड हैक हो रहा है, वो उन वीडियोस पर जो पॉजिटिव कमेंट्स कर देते हैं, ऐसे में लोग बेवकूफ बनते हैं, फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जिससे लगता है कि फेसबुक पासवर्ड स्निपर और ऐसी कुछ वेबसाइट फेसबुक के पासवर्ड को हैक कर देती है, परंतु बिल्कुल झूठ है। प्लीज स्वयं को कष्ट ना दें, खुद को परेशान ना करें, ऐसा नहीं होता। और तनिक सी बात, फेसबुक ऑटो लाइकर को प्रयोग नहीं करना चाहिए। फेसबुक ऑटो लाइकर आपके टोकन आईडी को मांगते हैं जो पासवर्ड जैसा ही होता है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसे देख लें आप प्लीज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, दिल में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट जरूर करना भाई। और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो यार सब्सक्राइब कर लेना भाई। एक बात बताओ, माँ और पत्नी में क्या अंतर है बताओ? हार गए? मैं बताऊं, माँ बोलना सिखाती है और पत्नी चुप रहना। घटा बरस गई रे, फिर कोई घटा बरस।